जब अपने सपने न पूरे हो सके तो औरों के ख्वाबों को पंख देने का मन में ठान लिया। जिंदगी को खेल नहीं समझा, खेल को ही जिंदगी मान लिया। खुदा ने जब पूछा बता तेरी रजा क्या है, तो तोहफे में मैदान मांग लिया। शख्सियत पे आज मिलिए नेशनल एथलीट खिलाड़ी कपिल यादव से। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में हम एक बार फिर हाजिर हैं और जैसा कि लगातार हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा सकारात्मक कदम उठाया हो जिससे समाज में एक सकारात्मक दिशा में किसी और का जीवन बढ़ता है और दूसरों के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे कि उनके जीवन को कुछ नई दिशा मिल सके, सफलता मिल सके। और आज एक ऐसे ही शख्स कपिल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक ग्राम मनासा से हैं और इंदौर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर हम यहाँ मौजूद हैं। उनका भी जीवन कुछ ऐसा ही है जिससे कि दूसरे के जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मकता आई और उससे समाज को कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिलती है। क्या कुछ उन्होंने किया है और क्या उनके अनुभव हैं, उन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। आप एक नेशनल खिलाड़ी रहे हैं और आज आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के या धार ज़िले की हम बात करें तो यहाँ के जो नौनिहाल हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आज आप उनके जीवन में रोशनी लाते हैं खेल के माध्यम से। कैसे आपको प्रेरणा मिली और आपके जीवन में खेल कब आया? सर, जो है कि मैं शुरू से मेरे पापा का बहुत इच्छा थी कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूं और अच्छा खिलाड़ी बनूं और उन्होंने, मैं 8-9 साल का था जब से धार में एक किला ग्राउंड है वहाँ पे मुझे जो है फुटबॉल खेलने के लिए भेजा और मेरे मामा परिवार वगैरह सब लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे तो मैं उन्हीं के पीछे धीरे धीरे हमारा स्पोर्ट्स चालू हुआ और वहाँ मैंने कोशिश करी, फुटबॉल में स्टेट स्कूल स्टेट वगैरह खेला, नेशनल खेलने गया और वहीं से मैं फुटबॉल खेलते खेलते आगे जाने में मेरे को 9th और 10th में जाके और मैंने एथलेटिक किया जिसमें 400 मीटर इवेंट था मेरा, 800 मीटर 400 मीटर करता था और मैंने साई में रहा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल्स में और मैं भोपाल में 2-3 साल वहाँ प्रैक्टिस करी मैंने और मैं नेशनल खेलता रहा। उसके बाद सडन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे वापस धार आना पड़ा, उस वजह से मुझे एकदम खेल छोड़ना पड़ा और मैं अपनी ज़िंदगी को वापस बैक करने के लिए कोशिश भी करी, बाकी उस समय मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो मैंने बस यही चाहता था कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन, सिर्फ जब भी मुझे कभी स्पोर्ट्स करने की बात होती थी कि यार आप स्पोर्ट्स इतना अच्छा नेशनल खेल लिए तो आप लोग नौकरी कर लो, ये कर लो, तो मुझे कुछ भी नहीं था। जो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का कहना था कि छाती पे अशोक चक्र लगे उसके बाद आपको वापस अपनी लाइफ में जो करना है वो करना, पर पहले अशोक चक्र लगना चाहिए और 5 शब्द लिखना चाहिए INDIA। तो मेरी पूरी मेहनत रही, मैंने कोशिश भी करी पर कहीं मेरे एक्सीडेंट के कारण मेरे को लॉस हुआ और मैं वापस धार आया और धार आने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैंने कोशिश करी, फिर मेरे दादाजी के पास यहीं खेती करने लगा और अब जो है मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो नहीं कर पाया आज मेरे गांव, मेरे क्षेत्र, मेरे धार के बच्चे वही चीज़ करें जो इंटरनेशनल नहीं खेल पाया। उसी वजह से मैं आज भी बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, जहाँ जो चीज़ लगती है कोशिश रहती है मेरी कि उनको बहुत अच्छा से अच्छा व्यवस्था। हमने सुना कि आपसे चर्चा हमने पहले की और लोगों ने भी बताया कि अगर किसी बच्चे के पास जूते नहीं हैं या फिर किसी और भी कोई ज़रूरत की चीज़ हो उसे चाहिए तो आप मुहैया कराते हो। हमें जहाँ तक है मैं ग्राउंड पे जाता रहता हूँ और कभी भी जो आवश्यकता लगती है मेरी ग्राउंड पे मैं फुटबॉल खेलने देखता हूँ, मेरे कोच साहब वगैरह फुटबॉल आज भी सिखाते हैं। मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि यार यहाँ बच्चों के पास, बहुत गरीब बच्चे हैं और उनके पास में फुटबॉल खेलने के जूते नहीं है, किट नहीं है अवेलेबल, तो मैं वही करता हूँ कि या तो मेरे खुद के जेब से या कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों के
उससे मैं उनकी व्यवस्थाएं करवाता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलें और वो अच्छा स्पोर्ट्स करें। कपिल जी, कहीं ना कहीं आपने भी जीवन में ये समय देखा होगा, आपने भी संघर्ष किया होगा, जब किसी का दर्द हमें तभी समझ आता है जब हमने भी उसे महसूस किया। होता क्या है साहब कि उस समय का जो स्पोर्ट्स था, उस समय इतने इक्विपमेंट हुआ नहीं करते थे। कहीं हमने एक जूता लिया फुटबॉल का तो उसको बहुत दो महीने तीन महीने खेला, फिर कहीं से फट रहा है तो उसको सिलवा लिया और सिल सिल के, और कहीं मान के चलो कि एक जूता ख़राब हो गया, एक वो है तो कहीं वेस्टेज से दूसरा जूता लिया, उससे प्रैक्टिस करी और उसी से खेलते थे। हमारे फादर वगैरह और ये लोग रिच रहे हैं, इतना पुअर भी कंडीशन नहीं थी। बाकी फिर भी उस समय खेती और इनमें इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि हम लोगों पे वो खर्च कर सके, तो यही रहती थी हमारी भी कि एक जूते से हम पूरा दो दो साल तक स्पोर्ट्स करते थे। आज तो कहीं भी शहरों वगैरह में देखें हम तो तीन से चार जोड़ी शूज़ होते हैं और आपके पास इक्विपमेंट की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ग्रामीणों में आज भी यही स्थिति है साहब, जहाँ मैंने धार जिले के जितने भी स्पोर्ट्स के ग्राउंड देखे हैं वहाँ यही परिस्थितियाँ देखी हैं कि गरीब बच्चे बहुत ऐसे हैं जिनके पास में सही से जूते नहीं हैं, किट नहीं है उनके पास खेलने के लिए, इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत आती है और ये सोचते हैं कि यहाँ पे भी वो चीज़ मुहैया हो जाए तो यहाँ से हमारा एक बच्चा जो है वो इंटरनेशनल खेलने जाए, यही एक इच्छा लेके और मैं बस ये कोशिश करता रहता हूँ कि व्यवस्थाएं उनको देने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा और कई बच्चे जो हैं आपसे जुड़े हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं। आप एक क्लब भी चलाते हैं डिसेंट क्लब के नाम से, आपने जैसा कि बताया हमें। आप फुटबॉल के खिलाड़ी रहे लेकिन आज आप क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की आप भावना रखते हैं, ये भावना कहाँ से आ गई? सर, एक खिलाड़ी के जीवन में ये होता है कि ग्राउंड उसके लिए बहुत महत्व होता है। ग्राउंड में सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, किसी भी खेल हो। आज हमारे देश का बच्चा अगर आगे जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि सर जो है हमारे क्रिकेट पसंद करते थे और मुझे ये दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश का बच्चा किसी भी खेल में हो वो आगे बढ़े। और बहुत इच्छा ये होती है कि धार जिले से या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रतिभाएं आप ढूंढेंगे तो इतनी मिलेंगी। बाकी बस यही समस्या है कि उनको सही से नॉलेज नहीं मिलता, सही खेलने को कहाँ खेलना है, मैचेस बहुत कम मिल पाते हैं, एक या दो साल में एक या दो मैचेस खेलते हैं और घर बैठ जाते हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस कर करके इतना थक जाते हैं कि एक या दो मैच से उनकी भूख नहीं मिटती। यहाँ पर मैचेस ज़्यादा हों, खेलने को ज़्यादा मिले, यही सोच के मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह एक्टिविटी होती रहे। और जहाँ आपने बताया कि डिसेंट क्लब का सवाल, तो मैं कुछ सालों से दूर रहा, अभी दो तीन सालों से मैं ज़्यादा सक्रिय रहा हूँ उनके साथ में। और इन तीन सालों में हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है जो DPL के नाम से होता है, जिसके अंदर 6 से 8 टीमें खेलती हैं और उनके मैचेस ट्वाइस होते हैं, मतलब डबल डबल और पूरा लीग पद्धति होती है जिसमें तकरीबन 40 से 50 मैचेस होते हैं और यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। और वहीं मैंने इसमें कोशिश करी कि बाहर से भी आए बच्चे, तो हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे लेते हैं, जहाँ UP हुआ, पूरा इंदौर से, आप महाराष्ट्र से ले लीजिए, राजस्थान से ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं। और जब वो लोग हमारे धार के बच्चों से मिलते हैं तो उनके क्लब में जो मैचेस होते हैं वहाँ भी हमारे बच्चों को अब बुलाना चालू किया। एक साल भर से हमारे बच्चे ज़्यादा इंदौर और बाहर खेल रहे हैं, ए ग्रेड टूर्नामेंट खेल रहे हैं। नहीं तो आज से 3 साल पहले ये परिस्थितियाँ थी कि हमारे यहाँ के बच्चे इंदौर में सिर्फ एक मैच डिवीज़न खेलने जाते थे, इसके अलावा कोई उनको मैचेस नहीं मिलता था, कोई मौका नहीं था। और आज धार में आप देख लीजिए कि पिछले 2 सालों से तकरीबन 4 से 5 टूर्नामेंट होते हैं जिसमें हमारे अंडर 14 से लेके और 23 और प्लस जो खिलाड़ी होते हैं, जो ओवरेज तो नहीं बोल सकते हैं उनको, परिपक्व हो जाते हैं सीनियर्स खिलाड़ी बोल सकते हैं अपन, तो उनके लिए बहुत कोशिश करी और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलना चालू हुए उनको और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि पहले तो हम धार से एक आध रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी तैयार करें और फिर आगे पहुँचाएँ उसको। ये बहुत अच्छा एक प्रयास है, सकारात्मक। और मैं आपको बता दूं कि कपिल यादव जी जो हैं अभी फ़िलहाल में वो व्यवसायी हैं और उन्हीं के इस होटल में हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो पहचान है वो एक होटल व्यवसायी की तरह नहीं, और वो भी यही चाहते हैं कि उन्हें खिलाड़ी की तरह पहचाना जाए। और आपको जो ये जो काम आप करते हैं,
समाज सेवा भी हम इसे बोल सकते हैं या खेल सेवा बोल सकते हैं, आज भी मैदान आपने संभाल रखा है, आज भी मैदान से आप बाहर नहीं, और आपकी आज भी ये इच्छा है कि जो खिलाड़ी हैं आपके धार जिले के वो पूरे देश में नाम रोशन करें, तो कैसा लगता है आपको एक व्यवसायी और एक खिलाड़ी के बीच में जो संतुलन बनाते हैं उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? मेरा ये रहा है कि मैंने वापस से जब से स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, मैं इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम बच्चों के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ खेलता हूँ, और जो मेरे जीवन के अनुभव हैं कि मैंने स्पोर्ट्स में क्या किया और आज क्या होना चाहिए, मैं उनको बताता रहता हूँ और उनके साथ लग के और प्रैक्टिस भी करता हूँ, पूरी मेहनत करता रहता हूँ बच्चों के साथ में, नेट्स करते हैं बच्चे और बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं मेरे जो लगता है वो मैं बताता रहता हूँ उनको। और जो है कि एक स्पोर्ट्समैन अगर जीवन में अपना ग्राउंड छोड़ देगा तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। जब तक जान है, ग्राउंड है, जब तक, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे व्यवसाय और इससे समय निकाल के मैं सुबह का समय और शाम का समय पूरा स्पोर्ट्स के लिए देता हूँ और हर टूर्नामेंट अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से छोड़ के मैं टूर्नामेंट भी खेलने जाता हूँ बच्चों के साथ में, और अभी भी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के साथ में कि वो बहुत अच्छा इम्प्रूव करें। तो जैसा कि एक संदेश भी यहाँ निकल कर आता है कि जब तक जान है तब तक मैदान है, और जब तक मैदान में आप है जब तक आपकी जान है, और आप सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा जीवन में रखें। ये केवल खेल के मैदान में ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भी एक खेल का मैदान है, और जब तक आप रन बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, ऐसा संदेश कपिल जी से निकल के आया, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप रन बनाते रहेंगे, पिच पर टिके रहेंगे, तो आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। आपका एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे यूथ को, खास करके जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? अभी देखा है मैंने कि बच्चे बहुत से शुरुआत करते हैं और उनको मैचेस नहीं मिलते हैं, या कहीं कहीं भी उनको मैच के दौरान खेल रहे हैं या स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनको ध्यान नहीं दिया जाता। ये सोच गलत है, बच्चों को मेहनत करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैंने स्पोर्ट्स कर रहा हूँ और मुझे इतना अच्छा स्पोर्ट्स करना है। आप लेवल देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं मैं स्टेट खेल लूँ, मैं एमपी खेल लूँ, मैं नेशनल खेल लूँ, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली सोच होना चाहिए कि मैं देश के लिए खेलूँगा और पूरा मेहनत करना चाहिए। बहुत से बच्चे आजकल आते हैं, अभी तो देखा है मैंने कि बच्चे एक्टिविटी में हल्के कमज़ोर पड़ते हैं, कहीं सही से उनका वो नहीं होता है, डाइट अच्छी होना चाहिए, स्पोर्ट्स पूरा होना चाहिए, जितना वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और पूरी मेहनत करना चाहिए अंत तक जो रहे, कि जो कोचेस वगैरह जो देते हैं उनको कि आपको ये करना है तो पूरा करना चाहिए और पूरी मेहनत करें, तो मैं नहीं मानूंगा कि हार होगी, बिल्कुल जीतेगा, अगर पूरा मेहनत करेगा तो हमेशा जीतेगा। और कपिल जी भी जैसा कि मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी जो सपना है कि आपके द्वारा आपके गांव से, आपके धार ज़िले से कोई बच्चा, कोई खिलाड़ी, या फिर सारे ही खिलाड़ी जो आज इनसे जुड़े हैं, कभी ना कभी देश का नाम रोशन करें और उनके यहां अशोक चक्र लगे और इंडिया लिखा जाए, ये सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे शख्सियत में जुड़ने के लिए, हमसे रूबरू होने के लिए। कपिल यादव जी हमसे रूबरू थे, एक शख्सियत हमारे खास कार्यक्रम में, जिनके जीवन के अनुभव और सकारात्मकता जो हमने जानी कि किस तरह से उन्होंने अपने अधूरे सपनों को अपनी आंखों में सजाकर आज जो युवा खिलाड़ी हैं उनके क्षेत्र के, क्योंकि शहरों में तो कई खिलाड़ी मिल जाते हैं, कई क्लब होते हैं, कई शिक्षण संस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएँ मिलना बहुत मुश्किल होती है। और कपिल यादव जी जैसे सकारात्मक जब लोग कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा उन खिलाड़ियों को मिलती है जब वो आगे जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। खबर 7C लगातार आपके साथ बना रहेगा और ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाता रहेगा। फिलहाल आज की इस खास मुलाकात में इतना ही, तब तक आप मैदान संभाले रखिए। नमस्कार।